आइए आगे बढ़े। हाथरस कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर से हाथरस पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। देव प्रकाश से ये पूछताछ एडीजी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन देव प्रकाश मधुकर पुलिस को सीधा जवाब नहीं दे रहा। वो सिर्फ खुद को बार बार बाबा का सेवादार बता रहा है। यूपी पुलिस मधुकर से सत्संग में फंडिंग का सोर्स जानना चाहती है। अब हाथरस पुलिस शाम को 5 बजे से पहले कोर्ट में पेश करेगी। तो देखिए, जो मुख्य आरोपी इस पूरे कांड में बनाया गया है, जिसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। मेरे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेश, मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन जब पुलिस पूछताछ कर रही है, वो भी बड़े रैंक के अधिकारी जब उससे पूछताछ कर रहे हैं, कुछ नहीं बता रहा। बोल रहे मैं तो बाबा का सेवादार हूं, लेकिन फंडिंग कहां से हुई, कैसे इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, हादसा कैसे हुआ, कुछ जानकारी नहीं दे रहा वो पुलिस को। देखिए, वो पेशे से इंजीनियर है और टेक्निकल भाषा में बात कर रहा है, यानी स्पिन कर रहा है, घुमा रहा है। जो पुलिस के लोग जो पूछताछ कर रहे हैं, जो एडीजी रैंक के अधिकारी हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, एडीएम हैं, एसपी हैं, यहाँ के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और वो पूछताछ में तमाम तरह के सवालों को बहुत हल्के में, बाबा के ऊपर कोई आक्षेप ना आए, यानी पूरी वफादारी के साथ बाबा का वो पक्ष ले रहा है। सोर्सेस से, पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके हिसाब से उससे ये पूछा जा रहा है कि सत्संग में कितने लोग थे, चंदा कहाँ से आता है, बाबा को तुम चंदा कितना देते हो, क्या कोई साजिश की आशंका तुम्हारे लिए है, तुमने देखा है उपद्रव करते हुए किसी को देखा है, कोई ऐसे राजनीतिक दल से तुम्हारे संबंध रहे हैं, तुम्हारे बाबा के संबंध रहे हैं, अगर हैं तो किस कौन बाबा के दर पर सबसे ज्यादा आता रहा है, कोई जो सेवादार तुम्हारे थे उन्होंने लाठी चलाई कि नहीं चलाई। एक लंबी फहरिस्त एबीपी न्यूज के पास है सवालों का, और जवाब उसका है गोल मोल सा। एबीपी न्यूज के पास यूपी पुलिस के सोर्सेस से जो खबर है, जो सूत्रों से मेरी जानकारी प्राप्त हुई है, वो ये है कि बहुत सारे लगभग सवाल जवाब के 22-23 सवाल हैं जो एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव है। वो एक्सक्लूसिव सवाल जो है वो एबीपी न्यूज के पास है, उन सारे सवालों का गोल मोल सा जवाब देने की कोशिश वो कर रहा है। फंडिंग के बारे में जब पुलिस पूछ रही है तो फंडिंग पे वो शांत हो जा रहा है, कहां से चंदे आते हैं उस पर वो शांत हो जा रहा है, बाबा का साम्राज्य कहां से चलता है उस पे वो शांत हो जा रहा है। गोलमोल सा जवाब उसका बहुत सारा है, क्योंकि अभी पुलिस ने अपनी थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया है। जब उस पर कड़ाई से और पूछताछ की जाएगी तो शायद कुछ और पूछे। उससे सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भगदड़ हुई तो आपने बाबा को बताया कि नहीं बताया, बताया तो कब बताया, बाबा ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी, तुम्हें दिल्ली किसने फरार किया, फरारी के दरमियान तुम कहां कहां रहे, किससे मिले, कौन सी बातें हुई तुम्हारे साथ और कौन हुआ, इन सारे बातों को पुलिस पूछताछ में उसके जानकारी ले रही है, तह तक जाने की कोशिश कर रही है। और जहां मैं पुलिस लाइन में मौजूद हूं, हाथरस पुलिस लाइन में, यहां पर जो न्यायिक आयोग के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वो इस इमारत में बैठकर जो पुलिस के अधिकारियों ने जानकारी प्राप्त की है हाथरस मामले पर, वो उनसे भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायिक आयोग की टीम पुलिस लाइन में सुबह 10 बजे पहुंच गई, और 10 बजे से लेकर जब हम और आप बात कर रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, तब भी पूछताछ की प्रक्रिया हाथरस मामले पर चल रही है। ये पुलिस लाइन है हाथरस का, यहां पर एडीजी रैंक के, आईजी, डीआईजी, सारे रैंक के अधिकारी सुबह से ही बैठे हुए हैं। मधुकर को 7:30 बजे दिल्ली में पकड़ा गया था, और 11 बजे के करीब हाथरस पुलिस लेकर आई है। सरेंडर मधुकर ने नहीं किया है। एपी सिंह वकील बार बार कह रहे थे कि हमने सरेंडर किया है, लेकिन पुलिस सूत्रों के हिसाब से सरेंडर नहीं हुआ। ये वीरेश आप बड़ा अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि देव प्रकाश मधुकर ने सरेंडर किया और फिर उसे पुलिस को सौंपा गया, लेकिन आप बता रहे हैं कि सरेंडर नहीं किया है। और इस बीच एपी सिंह तो ये भी कहते हैं वीरेश कि हम आगे जमानत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, याचिका दाखिल नहीं करेंगे, आपको जो पूछताछ करनी है आप वो कर लीजिए। लेकिन ये जो देव प्रकाश मधुकर है, ये तो इस बाबा का खास है ना, मुख्य सेवादार है ना। अब 5 बजे से पहले जब कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा, क्या उम्मीद वीरेश रखी जाए कि कितना सच सामने आ सकता है, और ये बाबा कहां पर है, क्या इसका भेद कहीं ना कहीं सामने खुल सकता है या फिर नहीं? वीरेश,
एबीपी न्यूज सारे सच को उजागर करेगा, बताएगा, और पुलिस लाइन में मैं खुद मौजूद हूं। 2 बजे के लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है पुलिस की, और उसके बाद से मधुकर का मेडिकल कराया जाएगा, 5 बजे से पहले उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो जो गहन छानबीन चल रही है, मुख्यमंत्री की नजर है, मुख्यमंत्री ने सोर्सेज से मेरे पास खबर है, मुख्यमंत्री जहां भी हैं वहां से इस मामले की जानकारी ले रहे हैं। जो आगरा के एडीजी जोन हैं उनके संपर्क में खुद मुख्यमंत्री का कार्यालय है, क्योंकि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को जवाब देना है, गृह मंत्री को जवाब देना है। मायावती हों, अखिलेश यादव हों, उन्होंने राजनीति शुरू कर दी है, जवाब मांगना शुरू कर दिया है, आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए हैं, और भगवान का चोला ओढ़े जो बाबा है वो छिपा हुआ है। बाबा गिरफ्त में कब आएगा, ये सवाल जनता भी पूछ रही है, बीपी न्यूज भी पूछ रहा है, मायावती भी पूछ रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दल हैं जो बाबा का नाम लेने से डर रहे हैं। डर इस लिहाज से रहे हैं कि बाबा के पास भीड़ की ताकत है, लोकतंत्र में जिसके पास ताकत है, प्रजातंत्र में भीड़ की, वो सबसे बड़ा है, वही तो बलवान है, क्योंकि यही सत्ता बनाता है और बिगाड़ता भी है। तो मामला सत्ता का है और रसूख का है, ताकत का है, बल का है, तो जाहिर सी बात है इस वक्त बलवान बाबा छुपा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वीरेश आप, लेकिन अब ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं, लेकिन जब देव प्रकाश मधुकर जो कि मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में बनाया जाता है, उससे पूछताछ होती है, और ये क्लियर कर रही है कि वो भी पूछताछ में कहीं ना कहीं साफ कुछ नहीं बता रहा है, भाग रहा है पूछताछ से, कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।